हैदराबाद. माय फर्म्स नेम इज मेक माय सेलिब्रेशन इवेंट्स. और जिस तरह से अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग सेलिब्रिटी एंड प्रोफेशनल सब अलग अलग होते हैं, तो किस तरह से क्या डिसाइड करते हैं कि किन्हें किस तरह से आप क्या सजेस्ट कर पाए? आई बिलीव इन जापानीज टेक्नोलॉजी वेयर आई डिवोट लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग एंड लेस ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूशन. And for every event, I give 110%. I don't take anything very easily. It's my determination and my hard work. Basically, I'm a production person. I give every corner, every nook and corner, I give importance. I want to do whatever I do. I think this is the first and this is my last event, so I give the best of it. Basically, I started my career from Aurangabad as I'm born and brought up Aurangabad. So I thought, why not promote my place first? I have done events in Pune, I have done events in Shirdi, I have done events in Mumbai, and lots of events in Jalna, Amaravati, and Hingoli. I was not nervous. Basically, when I would take an event, I have more of confidence. I did a very good road show for Vaman Ripete and my basic concept was traffic jam. I wanted to stop the traffic, so it becomes a talk of discussion what was the event for. That gave me a lot of mileage for it. सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी. मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं विनर बनूंगी, बट मुझे ये था कि जैसा भी है कोई भी है सभी विनर्स हैं और ऑल द गर्ल्स और लेडी ब्यूटीफुल ऑल विनर. तो जो भी होगा जैसा भी होगा तो आई एम एक्सेप्टेड. और बाकी मुझे बहुत खुशी हुई सेकंड रनर अप बनके और ख़ुद से बहुत प्राउड फील कर रही हूँ. और लोगों को अब मैं जहाँ जाने वाली हूँ तो लोग देखेंगे और बताऊँगी सभी को कि मैंने यहाँ से ये कॉन्टेस्ट जीता है, तो मुझे बहुत खुशी. थैंक यू सो मच मैम. फीलिंग्स कुछ बयान नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल एक सपना था बहुत सच हो गया. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. एंड जितना बड़ा ये ताज है उससे बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मेरे कंधों पे आ गई है. जिस तरीके से हमको मेंटोर्स ने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं इस पेजेंट को आगे और बढ़ाऊँगी. जबकि मैं नागपुर की हूँ, नागपुरियंस विल बी वेरी प्राउड फॉर मी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बहुत खुशी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक तरह से बहुत पुराना ड्रीम था मेरा बहुत बचपन का, जो आज क्योंकि हम लोग मिसेज में आते हैं मैरिड है तो इस प्रोफेशन में आके एकदम से ऐसा लगा कि नहीं बस ये तो बचपन का सपना पूरा जैसा होना हुआ है. सो आई एम वेरी हैप्पी. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब बहुत ये सोचा भी नहीं था कि ये पेजेंट इतना बड़ा होगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट रनर अप पाऊँगी. और ये खुशी मैं बयान करने पहले मैं सबसे पहले अपने घर जाऊँगी और ऑफकोर्स परमा डिस्ट्रीब्यूट को आगे जाके ज़रूर ज़रूर मेरा सहकार रहेगा. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि जैसा मैंने आपको उस दिन कहा था, आई नेवर कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई जस्ट बिलीव इन द प्रेजेंट जो होता है. बट मेरी खुशी जो आज है ये मैं बयान नहीं कर पाऊँगी. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी और मैं ज़रूर चाहूँगी एंड ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपना सोशल वर्क को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, गेटिंग अलॉन्ग विद परमा डिस्ट्रीब्यूट फाउंडेशन ऑल्सो. और मेरे जैसे लाइक यंगस्टर्स को भी ये मौका देना चाहूँगी, उनको भी ये बताऊँगी कि ये कितना ब्यूटीफुल पेजेंट है करिश्मा का. इट्स ब्यूटी विद ब्रेन्स विद कंपैशन विद ह्यूमैनिटी, सो दैट्स द कंसेप्ट विच आई लव अबाउट इट एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई जस्ट कांट से हाउ आई एम हैप्पी. मेरे लिए तो आज सभी विनर्स है. बहुत डिफ़िकल्ट था जज करना. सारी मॉडल्स मिस एंड मिसेस कैटेगरी में आई, ऑल ओवर इंडिया से आई. बहुत टैलेंटेड थी, बहुत इंस्पिरेशन था उसमें, बहुत हार्डवर्क किया उन्होंने. हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इतने टैलेंटेड मॉडल्स में से एक विनर चूज़ करना, बट विनर तो एक ही होगी. सो इट वॉज़ वेरी टफ जॉब बट आई हैव डन माई लेवल बेस्ट. सीरियसली बिल्कुल सही डिसीजन लिया है. और मैं इनको ग्रूमिंग सेशन से जान रही हूँ. दे आर डिजर्विंग कंटेस्टेंट एक्चुअली. और बस इसी तरह से इन्होंने जितना डिजर्विंग जो भी है उसमें क्वालिटीज़, बस वो क्वालिटीज़ दुनिया को देश को सबको दिखाए. और थैंक यू कि हमारे पेजेंट में पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा हमें टैलेंट दिखाया और दिया भी. तो आगे के लिए क्या कुछ आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो विनर है वो
हमारे तरफ से इंटरनेशनल जर्नी के लिए जा रहे हैं, जर्नी इन द सेंस इंटरनेशनल जो भी कॉन्टेस्ट अभी हम लोग लॉन्च करने वाले, तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और भारत देश को रिप्रेजेंट करेंगे दूसरी दुनिया में या धरती में। बोली बने हैं तो उनके लिए खुशी तो बहुत है, लेकिन साथ में एक दुख भी है कि हमारी फ्रेंडशिप जो हम दोनों तीनों दिन इतने साथ में इतने यानी ऐसा बोले कि 24 आवर में हम लोग 18 आवर साथ में थे, कल 4 घंटे हम सोए हैं, हमने कम से कम 13 से 14 घंटे ग्रूमिंग किया है, तो कितना बॉन्डिंग है हम लोगों में तो आप देख सकते हो। बिकॉज मैम एक नई शुरुआत है हमारी एक न्यू रिलेशनशिप की, बहुत बहुत ये पेजेंट की तैयारी हम कम से कम 1 साल से कर रहे हैं और आज जाके हमें हमारे विनर्स मिले हैं, तो डेफिनेटली इतनी खुशी मिल रही है। और ये लोग ऐसे नहीं है कि खाली ब्यूटी विद ब्रेन से आए, ये ब्यूटी विद ब्रेन विद ह्यूमैनिटी का एक परफेक्ट एग्जांपल है जो लोगों ने लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे पेजेंट में आए, दुनिया को अपना टैलेंट दिखाया और इतना डेयरिंग किया कम्पीट करने का सब यानी नेशन वाइड जो भी लड़की आई है उनके साथ में। आज जो भी आज के हमारे जो विनर्स हैं उनको मैं सबसे पहले बधाइयाँ देना चाहूँगा, और जो भी डिसीजन हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, जो सचमुच टैलेंटेड है और बहुत ही यानी परमार्थ के लिए और मिसेज इंडिया करिश्मा के लिए ये आगे चल के काम करेंगे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको, और हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, इंटरनेशनल भी जाएंगे, इसके लिए ये खुद भी तैयारी करेंगे और हम इनको सपोर्ट भी करेंगे।